अब खबरें विस्तार से। प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने सुबह से ही प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रचार अभियान के दौरान सुबह के समय अनुराग ठाकुर हमीरपुर न्यायिक परिसर में पहुंचे, जहां पर अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील की। प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने सुबह से ही प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रचार अभियान के दौरान सुबह के समय अनुराग ठाकुर हमीरपुर न्यायिक परिसर में पहुंचे, जहां पर अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील की। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने गत दिवस रामलाल ठाकुर की सुजानपुर में हुई रैली के दौरान बंद गाड़ी में रोड शो को किए जाने पर भी चुटकी ली है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रामलाल ठाकुर एसी गाड़ी में बंद शीशे करके रोड शो करके चले गए हैं, तो ऐसे प्रत्याशी जनता की सेवा क्या करेंगे। वहीं अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि मैंने लोगों का दिल भी जीता है और अब चुनाव भी जीतूंगा। लोग एसी गाड़ी से हाथ चलाकर कांग्रेस के चले गए और हमीरपुर जिला के लोग हंस रहे थे कि आखिरकार ये अपनी शक्ल दिखाने आए ही क्यों। अगर बंद शीशों में ही रहना था, बंद गाड़ी में ही जाना था, जिनके शीशे तक नहीं खुले वो सेवा क्या कर पाएंगे। और हमने दूसरी ओर बिलासपुर से लेकर हमीरपुर तक जो 150 किलोमीटर की यात्रा की, वो खुली गाड़ी में भी पैदल चलकर भी लोगों का दिल भी जीता है, अब चुनाव भी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि सुजानपुर में हुए रोड शो से जनता को देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी के प्रत्याशी को संसद में भेजना चाहिए।